आई, मैं वैस शाहिद। आज हम अपने इस्लामाबाद ऑफिस से आपके साथ लाइव हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान फयाज साहब हैं। आज इनसे कुछ क्यूमेटिक या क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये क्यू मैनेजमेंट सिस्टम या क्यूमेटिक सिस्टम के क्या फ़वाद? देखिए, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप एक अच्छी काविश कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको बेसिकली इसकी अवेयरनेस नहीं है। और इसके पहला जो फ़ायदा इसका ये है कि जो लोग बेसिकली कतारों में लगते हैं और डिफरेंट किस्म की उनकी मसाइल होते हैं, वो कतारों में लेके खड़े होते हैं, जिसमें हमारे मर्द हज़रात हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये सारे लोग बेसिकली डिफरेंट उस पर आए हुए होते हैं कामों के हवाले से। पहले तो उनको एक कंफर्ट जोन ये प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले उनको एक टिकट दिया जाता है, जिसको वो बाकायदा टिकट मशीन से लेने के बाद एक वेटिंग एरिया में बैठते हैं और फर्दर उनको सर्व किया जाता है। तो बेसिकली एक तो ये कतारों की जो हमारी एक सिलसिला है मुल्क में, उसको एक कंफर्टेबल जोन की तरफ ले जाता है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये जो लोग लाइनों में लग रहे थे, ये लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा इसके क्या क्या फ़ायदे? डेफिनेटली जब आप एक नंबर लेके काउंटर पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप वन बाय वन सर्व होते हैं, तो आपका जो स्टाफ वहाँ वर्किंग कर रहा है उसको एक सेफ जोन मिलता है काम करने की, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी हो जाती है। कि मुझे पहले जिस काउंटर पे एक रश होता था, मुझे अब एक एक बंदा मिल रहा है और मैं बेसिकली उसको सर्व भी कर रहा हूँ प्रॉपरली, उसकी क्वेश्चंस भी सुन रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ, और डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि हमारे काउंटर पे जो रश होता था वो भी ख़त्म हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा और इसके क्या कोई बेनिफिट्स? मैं एक सर्विस के लिए आया हूँ आपके पास और उसमें आपने मुझे क्यू दी हुई है जिसमें ऑलरेडी 11 बंदे वेटिंग में। मैं 11 बंदों के बाद काउंटर पहुँचता हूँ, मुझे बताया जाता है कि जी आपकी तो इस लाइन में, आपका तो ये काम इस लाइन में होना ही नहीं था, ये तो आप तीसरी रो में जाते हैं। वहाँ उस रो की तरफ देखता हूँ तो वहाँ ऑलरेडी कोई 9 बंदे वेटिंग में, तो मुझे नए सिरे से उन्हीं लोगों के पीछे रहना। तो इस तरह करते करते आपके कोई आधा घंटा पौना घंटा तो ज़ाया हो गया, तो टाइम बहुत आपका कीमती है ये आज, जिसको ये मैनेज कर सकते हैं आप इसके थ्रू। तो इसमें मुझे बताइएगा कि इसमें कोई आपका रिपोर्टिंग फीचर या कोई एनालिसिस वगैरह करना हो तो कोई इसका फीचर है? बिल्कुल वैसे है, इसमें आप एक परफॉर्मेंस अपने स्टाफ की मॉनिटर कर सकते हैं कि एक दिन में उसने कितने सर्व किए, जो वॉक इन क्लाइंट था उसको कितना सर्व किया। सेकेंडली इसमें आप वर्किंग आवर्स जो आपके 9 to 6 लेट सपोज हैं, किस वर्किंग आवर में आपके पास ज़्यादा रश होता है वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैनेजर्स के लिए बड़ी अच्छी एक चीज़ दी हुई है, जिसमें वो हर एक सेंटर्स, लेट सपोज आपके 5 या 6 सेंटर्स हैं पूरे कंट्री में, उसको वो लाइव देख सकते हैं कि सेंटर में कितने लोग वेटिंग में हैं और उस वक्त का क्या वेटिंग टाइम उस सेंटर का चल रहा है, और अकॉर्डिंग वो उसको मेंटेन करते हुए अपने कंसर्न सेंटर मैनेजर को बता सकता है कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है। तो ये सारे फीचर्स इसमें डेफिनेटली आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जी फयाज साहब, ये तो बड़ा अच्छा है कि इसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है और इसमें हमारी क्यू जो है वो भी वेल मैनेज हो रही है। तो मुझे बताइएगा कि इसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में है? देखें वैसे जिस तरह आप अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस उसमें व्यू कर रहे हैं, अपनी सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जिस तरह हमारा क्यूमेटिक का हार्डवेयर है जो कि देर पा है और काफ़ी अरसे तक चलता है, उसमें बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हमारी 1.5 साल है, 1 से 1.5 साल मैक्सिमम।
थैंक यू फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। व्यूअर्स, ये हमारा आज इस्लामाबाद ऑफिस से, एसटेक के इस्लामाबाद ऑफिस से एक प्रोग्राम था। तो अगली, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।